पत्रकारों के विभिन्न समस्याओं पर लड़ने के लिए आज देश भर में कई संगठन अलग अलग रूप से काम कर रहे हैं, अलग अलग बैनर के तले काम कर रहे हैं। उसी के तहत पिछले कुछ महीनों पहले हमारे देश में नेशनल यूनियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनी है, जिसको ब्रुसेल्स से मान्यता मिली है। दिल्ली सरकार में भी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन किया गया है और उसके बाद हर एक स्टेट में इस संगठना बनाई गई है। महाराष्ट्र में भी संगठना बनी है, इसके अध्यक्ष हैं शीतल करदेकर मैम, और उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि हमारे राज्य भर में सभी जिला स्तर पर कार्यकारिणी बनाई जाए। तो उनके पास जो संपर्क नंबर थे, जो लोग संपर्क में आए थे, तो उन्होंने एक 10 से 12 लोगों की कार्यकारिणी बना कर दी है। उस कार्यकारिणी में मुझे अध्यक्ष बनाया गया था, प्रवीण बुरांडे जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, जाधव को सचिव बनाया गया, हमारे पूनम मैडम जो है दैनिक भास्कर के, उनको राज्य कारिणी कार्यकारिणी पर लिया गया था, और कुछ सदस्य थे। और कोशिश ये है कि अब हमको औरंगाबाद ज़िले में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाना है, तहसील स्तर पर भी नई कार्यकारिणी बनाना है, और जो आज मेंबर जुड़े और जो जुड़ेंगे उनको भी कार्यकारिणी में नए उनको पद दिए जाएंगे, और सारे सदस्यों का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद सभी को आई कार्ड मिलेगा संगठन के नाम का। और ये संगठन पत्रकारों की समस्या, जैसा कि उनको सभी पत्रकारों को एक्रेडिटेशन कार्ड मिले, पेंशन की मांग है, पत्रकारों पर बार बार हो रहे हमले को लेकर एक कानून बनाया जाए, ये मांग है, और जहां कहीं मैनेजमेंट पत्रकारों के साथ अन्याय कर रहा है उन लोगों के लिए, ऐसे पीड़ित पत्रकारों के लिए भी ये संगठन अपने अपने समय के ऊपर लड़ता रहेगा, काम करते रहेगा, इसी उद्देश्य से ये संगठन बनाया गया है। और ये संगठन किसी दूसरे संगठन के कॉम्पिटिशन में बनाई नहीं गई है, दिल्ली से ये बम्बई से संगठन बनाया गया है, और यहाँ जो भी काम होगा पत्रकारों का, चाहे मराठी पत्रकार संघ हो, साप्ताहिक महासंघ हो, साप्ताहिक के पत्रकार हो, और ये हमारा संगठन, हम मिलकर काम करेंगे। और हमारे संगठन में हिंदी, मराठी, अंग्रेज़ी, उर्दू, चैनल, सोशल, वेब, जितने भी पत्रकार हैं सारे पत्रकारों को हम यहाँ पर पंजीकरण करेंगे, और हम भेदभाव नहीं करेंगे, सभी पत्रकार इसमें जुड़ सकते हैं, और हम पत्रकारों के हितों के लिए काम करते रहेंगे।